बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी ने प्रादेशिक कार्यकर्ताओं को केंद्र की नीति का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि वक्त की मांग है कि अब बुजुर्ग युवाओं के लिए चुनावी मैदान छोड़ दें। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलू ने मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनौती देने के लिए तैयार है। पार्टी उनको महत्वपूर्ण भूमिका दे सकती है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी ने से खास बातचीत की हमारी स्थानीय संपादक प्रखर प्रकाश मिश्रा ने। उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिया है और वो कह रही वो विकास पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन अभी मनोहर कांत ध्यानी जी हमारे साथ हैं जो पूर्व बीजेपी के स्टेट के अध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि युवाओं की जो एक टीम बनी है उस युवा टीम में वो किस चेहरे को देख रहे हैं कि जो सबसे बेहतर कर सकता है और हरीश रावत को चुनौती दे सकता है। ध्यानी जी, आपको क्या लगता है जो इस टाइम स्थिति है, सबसे पाक साफ चेहरा और हरीश रावत को चुनौती देने वाला चेहरा कौन है? मैंने अभी निवेदन किया था कि हम संगठन आधारित दल हैं और हम सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं। अभी जो हमारा चेहरा है, नरेंद्र मोदी ही चेहरा है। नरेंद्र मोदी की जो सक्सेस देश में, देश के विकास के लिए, रोजगार के लिए, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए जो एक माहौल बना है, वही हमारा चुनाव का आधार है। और उसके बाद में जो चेहरे हैं उसमें से जिसका वो निर्णय करेंगे वो लोग स्वीकार होगा। युवाओं में बात निकल के आ रही ना, आप अपनी तरफ से युवाओं में किसको मान रहे हैं जो हरीश रावत को चुनौती दे सकता है? अपनी तरफ से कुछ नहीं होता, पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है। और मैंने कहा कि अभी हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी है, पार्टी ने कोई घोषित नहीं किया है। तो ये तो हो गई बात, ये तो क्लियर है। लेकिन आपने क्योंकि बढ़ते हुए बीजेपी को देखा है, आपकी 75 साल के लगभग उम्र हो रही है, उत्तराखंड को आप समझते हैं, उत्तराखंड में वो युवा चेहरा मैं पूछ रहा हूँ जो हरीश रावत को चुनौती दे सकता है। 55 वर्ष पूरे किए इस पार्टी में, 50 वर्ष मैंने छोड़ दिया, 5 वर्ष और हो क्या। लेकिन ये मेरा विषय नहीं है। मैं तो सामूहिक रूप से कह रहा हूँ कि हम सामूहिक रूप से लड़ेंगे और पार्टी जिसका निर्णय करेगी, उन युवाओं में जिसका निर्णय करेगी, उसके बारे में सबके सहमत हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपसे कह रहा हूँ हरीश रावत को चुनौती कौन दे सकता है? जो 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 हरीश रावत को अनिल बलूनी चुनौती देने के लिए बात कह सकते हैं। अनिल बलूनी ने वक्तव्य दिया क्या? वो हमारा एक युवा चेहरा है, उनका उज्जवल भविष्य भी है और हम सब लोग भूतकाल की ओर जा रहे हैं, उसमें हरीश रावत भी है क्या? अच्छी सी चुनाव राजनीति कर रहे हैं, उनके राजनीति इनका भविष्य है। तो ये व्यक्तिगत रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया है, लेकिन जो निर्णय करना है वो पार्टी करना है और जो चेहरा है वो नरेंद्र मोदी। तो आपको क्या लगता है कि अगर अनिल बलूनी के साथ साथ अजय भट्ट और जो आप अभी नाम गिनाना चाहते हैं, ये युवाओं की टीम कहाँ जाएगी और इन युवाओं की ऊर्जा में आपको अनिल बलूनी कैसे लगते हैं? इन युवाओं में जो जिनके नाम मैंने पहले लिए हैं, 5-6 नाम नहीं दोबारा नहीं लेता ले लिए, उनमें से पहली प्राथमिकता चुनाव जीतना। चुनाव जीत के आए तो फिर उसका कद और पद बढ़ेगा। तो मेन है चुनाव और चुनाव का आधार है नरेंद्र मोदी। सीधे तौर पर कह रहे हैं ध्यानी जी कि हमें युवाओं को साथ लेके चलना है और 70 साल से ऊपर के लोग रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अनिल बलूनी ने जिस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत किया है, चुनौती दी है, ये पार्टी के लिए एक आधार हो सकता है और पार्टी उनका इस्तेमाल कर सकती है। अब देखते हैं कि पार्टी हरीश रावत के खिलाफ क्या अनिल बलूनी को उतारती है, लेकिन इतना जरूर बार बार ध्यानी जी कह रहे हैं कि ये वक्त आ गया है जब हमें युवाओं को आगे बढ़ाना है। मैं प्रखर प्रकाश मिश्रा, नेशनल वॉइस के लिए, देहरादून, बीजेपी कार्यालय से, जय हिंद।